हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और गाइस आज मैं बनाने वाली हूं गोभी के पराठे जो कि एकदम फिल्ड हैं गोभी से। और इसमें ये देखिए गोभी आपको साफ साफ नज़र आ रही है और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पराठे मैंने ये बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा गोभी का फूल मैंने ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह कट कर लिया है छोटा छोटा। और अब हम इसको ग्रेट करेंगे अच्छे से। तो ये पास वंडर शेफ़ का एक ग्रेटर है जिसमें कि सारी सब्जियां या प्याज टमाटर बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। तो अच्छे से हम इनको ग्रेट कर लेंगे। और इसमें एक्चुअली थोड़ा मैंने मोटा ही चंक रखा है गोभी का जो कि बाद में पराठों में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अच्छे से हम इसको ग्रेट कर लेंगे बारीक तरह से, ये देखिए। और मैं इसका पानी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एक कपड़े में डालकर और अच्छे से निचोड़ सकते हो ताकि इसका पानी निकल जाए। उससे क्या होता है कि पराठे फटते नहीं हैं, लेकिन मुझे आदत है तो थोड़े बहुत अगर मेरे पराठे फट भी जाते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब इसमें साथ ही में मैंने थोड़ा धनिया डाल दिया है और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि पराठे अगर थोड़े से करारे हों, मतलब तीखे हों, चटपटे हों, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल मिर्ची स्किप कर सकते हो। तो अच्छे से हम ये धनिया और मिर्च को भी अच्छे से पीस लेंगे। तो मैं इसी में पीस रही हूँ और अभी सारा मिक्सचर भी हम इस गोभी में मिला लेंगे। सर्दियाँ एकदम स्टार्ट हो गई हैं और गोभी बहुत बड़ी मात्रा में मिलने वाली है, तो सर्दियों में ही पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। और गोभी के पराठे तो आई एम श्योर सभी के फेवरेट हैं। और अब हम इसमें मसाले मिला लेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और एक बड़ा चम्मच भर के आमचूर पाउडर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चुटकी भर हींग मैंने इसमें डाल दी है, हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो इसको भी। और अब नमक हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार। नमक वैसे जब आप तुरंत पराठे बनाने वाले हों तभी डालिए, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। तो अगर आप पराठे जो है आपके फटते हैं तो आप इसको निचोड़ सकते हैं। तो सेम ही जो प्रोसेसर है उसमें मैं आटा भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा प्रोसेसर में डाल दिया है, ये 2 कप आटा है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। और इसमें हम आटा भी बहुत अच्छे से गूँथ सकते हैं। ये वंडर शेफ़ का फूड प्रोसेसर मैंने लिया है तो बहुत हैंडी है, एक ही बार में आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर आटा भी हमारा ऑलमोस्ट गूंथ के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हम अब आटे को एकदम इकट्ठा कर लेंगे। ब्लेड्स इसके बहुत शार्प होते हैं तो थोड़ा सा संभल के ही इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल गूंथ के रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी लोई मैंने ले ली है और इसको एक बार बड़ी सी रोटी के आकार में हम बेल लेंगे। और अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच भर के जो गोभी का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डालूंगी। कोई भी हम फिल्ड पराठे बनाते हैं, भरवा पराठे, तो जब तक वो चीज़ का मज़ा ना आए तो पराठे खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो गोभी मैंने काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें डाली है और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये थोड़ा सा फट भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम सेक लेते हैं पराठों को अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ सेकने के लिए। अगर आप चाहो तो बटर, ऑयल या जो भी प्रेफर है आपके घर में सेक सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक और थोड़ा कुरकुरा होने तक हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठा हमारा सेक के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म आप बनाइए और सर्व कीजिए चाय के साथ, दही या
अचार जो भी आपको पसंद हो हरी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे, तो पराठा भी हम सेक लेंगे। और सर्दियों में जब आप बच्चों को टिफ़िन रखते हैं तो घी का यूज़ मत करिए, क्योंकि टिफ़िन जो है वो ठंडा हो जाता है जब बच्चे खाने लगते हैं, तो घी और बटर जो है वो जम जाता है। तो प्रेफरेबली आप लोग पीनट बटर या तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पराठे बहुत ही यमी बने हैं, और गोभी का जो क्रंच है वो पराठों में साफ साफ आ रहा है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए एक बार गोभी के पराठे, आई एम श्योर बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।